बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी मेरे बहन भाइयों का। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह पाक आप सबको और हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जी जनाब, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमने जो जी ईद का सेकेंड डे है जो वो हमने आई दुबई में स्पेंड किया था, और उसका जो थर्ड डे था वो हमने जी ग्लोबल विलेज में स्पेंड किया है। तो ये वाला व्लॉग मैंने बस थोड़ी सी मसरूफियत की वजह से अपलोड नहीं थी कर सकी है, क्योंकि काफ़ी बिज़ी थी, तो इसलिए। तो फिर आज मैं ये वाला व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जी बड़ा मज़ेदार किस्म का व्लॉग है, बड़ा इंटरेस्टेड किस्म का व्लॉग है। तो जी जनाब, अब तो ये क्लोज़ हो गया है, मेरे ने दिसंबर में दोबारा ओपन होगा, 6 महीने के लिए इन्होंने क्लोजिंग इसके कर दी है ग्लोबल विलेज की। तो अब इंशाल्लाह दिसंबर में दोबारा ओपन होगा। तो जी जनाब, मज़े की बात, मैं इधर ग्लोबल विलेज 10 साल बाद दोबारा आई हूँ, क्योंकि जब मैं फ़र्स्ट टाइम दुबई आई थी तो तब मैं आई थी। फिर उसके दरमियान एक दो दफ़ा मेरा दुबई चक्कर लग गया, लेकिन ग्लोबल विलेज मेरा दोबारा चक्कर नहीं लगाना। तो बस अभी हमारा जो है ना दोबारा प्लान बना है, तो इसलिए फिर जी मैं तकरीबन 10 साल बाद दोबारा ग्लोबल विलेज आई हूँ, तो बड़ा अच्छा लगे। तो जी जनाब, ये देखें जी, इतने मज़ेदार किस्म के झूले थे, और उनकी इतनी ज़्यादा ये हाइट पे थे कि यकीन करें नीचे से देख इतना खौफ आता था। तो इसमें बैठना तो मैं कहती हूँ मेरे लिए नामुमकिन बात है, और जन्नत भी जो है ना डर गई थी देख के। लेकिन बच्चों के लिए उन्होंने छोटे से बनाए हुए हैं, तो ये तो माशाल्लाह बड़ों के लिए बने हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई मतलब छोटी एज का बच्चा भी बैठता हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे थे ना। तो बहरहाल मेरी कज़न बैठी थी, उससे तो पता नहीं क्यों नहीं डर लगा। बहरहाल जब वो नीचे आए तो उसके तौर बोर फिरे हुए थे, वाकई इससे हो जाते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे थे ना। तो बड़ा अच्छा लगे। तो इसका आज मैं पार्ट जो है जी फर्स्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इंशाल्लाह सेकंड पार्ट जो है इसका मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी, क्योंकि ये फिर काफ़ी लंबा व्लॉग बन जाता था अगर सारा जो है मैं आज अपलोड करती, तो इसलिए फिर इसको मैंने 2-3 पार्ट में ना डिवाइड कर दिया ना। तो जी बड़ा मज़ा आया इधर, खाने पीने की भी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, सही देसी चीज़ें थी जी। पाकिस्तानी विलियम में हम गए हैं, तो उधर भी सही पाकिस्तानी किस्म के वो जी समोसे, दही बल्ले, चाट वगैरह, तो गोलगप्पे, सही वो जो हम पाकिस्तान में चटपटी चीज़ें खाते हैं, सेम हमें इधर भी वही कुछ मिला है, छली वगैरह, और वो जो जी हम आजकल बड़ी वो चाय इन है, क्या उसको कहते हैं, वो मटके वाली चाय जो वो मट्टी के मटके में चाय नहीं बनती, तो वो भी बहुत ही मज़ेदार चाय थी। तो हर चीज़ आपको अपने कंट्री के हिसाब से जो ना इधर मिली हमें। तो बहुत ज़्यादा हम घूमे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हमें ना। तो जी और जी जन्नत को भी काफ़ी ज़्यादा जी मज़ा आया है। और जनाब जी, हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करें जी। जो बहन भाई उन्होंने अभी तक हमारा चैनल फॉलो नहीं किया, उनसे भी जनाब हमारी रिक्वेस्ट है जी, वो भी हमें जल्दी से फॉलो करें। और जो मेरे बहन भाई नए मेरे चैनल पे आए, उन्हें मैं वेलकम करती हूँ। माशाल्लाह जी, काफ़ी बहन भाई आए हैं जी हमारे चैनल पर, बड़ी खुशी होती है देख के जब वो हमें कमेंट्स आते हैं जी कि हमने आपको फॉलो किया, तो यकीन जाने वाकई बहुत ज़्यादा खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है जी। चलें जी, हमें भी कोई देख रहा है, कोई हमारी वीडियो को भी लाइक कर रहे हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है, तो इसीलिए वो हमें फॉलो करते हैं। तो हमारी तो यही कोशिश होती है कि हम कहीं भी जाएं घूमने तो हम वीडियो बनाएं और आप सबके साथ शेयर करें जी। हम इधर गए थे घूमने, एक अच्छा सा किस्म का व्लॉग बनाएं और अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करें। तो जी वीडियो आपने हमारी फुल वॉच करनी, और वीडियो के लास्ट में ना बड़े मज़ेदार किस्म के जी उधर वो शो हुए थे, तो बहुत अच्छा बच्चों के हिसाब से उन्होंने शो किए थे। एक उन्होंने स्टार्टिंग वाला जो था वो गाड़ियाँ वगैरह आई थी, सही वो बच्चों के उन्होंने खुश करने वाला जी शो किया। फिर एक किचन के रिलेटेड था, वो भी बड़ा अच्छा था, तो वो भी मैंने वीडियो के लास्ट में जो है ना ऐड कर दी हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये जो है जी ग्लोबल विलेज वाला व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। और देखिए, यकीन जाने उस दिन इतने लोग आए हुए थे, इतने के गुजरने की जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा रश था। एक तो ये वजह थी कि इसकी क्लोजिंग होने वाली थी उन दिनों में, तो क्योंकि फिर ये 6 माह के लिए क्लोज़ हो जाता है, फिर ये दिसंबर में जाके दोबारा वो इसकी ओपनिंग होती है, ओपन होता है।
तो इसलिए शायद एक ये वजह थी, शायद ईद के भी दिन थे तो इस वजह से बेतहाशा रश था ना, यकीन करें। मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी उस वक्त शायद मैंने इतना रश नहीं था देखा, जब मैं पहले गई थी तो दिसंबर में गई थी उस वक्त इतना रश नहीं था, लेकिन जो मैं सेकेंड दफ़ा आई हूँ यकीन जाने बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा रश था। तो जी चलें जी, मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, तो आप हमारा फुल व्लॉग जो है जी इंजॉय करें, और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और मैं एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जी जो बहन भाई सिर्फ जस्ट हमारी वीडियो देखते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो नहीं करते जी, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारा चैनल फॉलो कर लें। तो ठीक है जी, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और हमें दुआओं में याद रखना, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है जी व्लॉग में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए।